हम लोग जैसे ही बाहर निकलेंगे सारी पब्लिक ही छीन लेगी वापस अवार्ड्स हम लोग के. मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा ऑनर है क्योंकि जैसे कि मीना जी ने भी कहा कि ये अवार्ड सिर्फ हमारे मुंबई इंडस्ट्री नहीं लेकिन बहुत सारे जो हमारे दूसरे सिने ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे हिंदुस्तान के उनसे जुड़कर मिलकर ये अवार्ड मिल रहा है और सिर्फ हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को नहीं लेकिन पैन इंडिया जो हमारे और भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से जितने हमारे अनसंग हीरोज़ हैं जो स्क्रीन के पीछे होते हैं उनको भी अवार्ड मिलता है. तो आई थिंक पहली बात तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां प्लीज़. जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एग्जीबिटर्स हैं जो हमारे डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं म्यूजिशंस हैं जिनकी वजह से शायद हम उस ऊंचाई तक उड़ सकते हैं जहां हमको वो पहुंचाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच द इंडस्ट्री फॉर सच अ ब्यूटीफुल अवार्ड. ये मेरे लिए ज़्यादातर और भी इमोशनल है क्योंकि मेरे डैड को करीब 5-6 साल नहीं एक्चुअली ज़्यादा 7 साल पहले यही एकेडमी अवार्ड दादा साहेब फाल्के जी का मिला था और मैं वहाँ ऑडियंस में बैठ के उनके लिए तालियां मार रही थी और मैंने सोचा था एक दिन शायद मैं भी इस मुकाम तक पहुँचूंगी जब मुझे ये अवार्ड मिलेगा. सो आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल बहुत और मेहनत करनी है पर इस अवार्ड के लिए मात्र के लिए आप सबको शुक्रिया अदा. थैंक यू सो मच. धन्यवाद टू द अकेडमी फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू सो मच. इमोशनल रीजंस आपने कहा तो मैं बिल्कुल वो कहूंगी. सो आई वुड सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टू गिव एन अवार्ड. पहले मैं अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे आप ही कहें. जैसे कि मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे अनसंग हीरोज होते हैं जो हम आर्टिस्ट के पीछे लगातार सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं. एक फिल्म के पीछे आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं एग्जीबिटर्स होते हैं हमारे स्पॉट बॉयज से लेके कैमरा टीम से लेके लाइटमैन से लेके सब रहते हैं जो एक फिल्म बनाते हैं और उससे बहुत सारी यादगारें जुड़ी होती हैं. लेकिन जो हम आर्टिस्ट के पीछे होते हैं वो बहुत ही हम लोग की